मैं दिलीप कुमार फिजिक्स फैकल्टी एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है अपने पास कि किसी पार्टिकल के लिए अपने को एक एफ वेक्टर दे रखा है और एक दे रखा है उसका वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, और हमें फाइंड करना है कि उस पार्टिकल के लिए किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी पावर क्या होगी। तो अगर अपने को इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। मतलब अगर अपने पास एफ वेक्टर दे रखा है और वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर अपने को पावर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर एफ वेक्टर कितना दे रखा है, 60 आई के प्लस के 15 जे के माइनस के 3 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को वेलोसिटी वेक्टर के साथ, 2 आई के माइनस के 4 जे के प्लस के 5 के। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 120। 15 यहाँ से कितना जाएगा, माइनस के 60, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 15। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आती है अपने पास कितनी, 45 वाट। तो यहाँ से जो पार्टिकल के लिए जो इंस्टेंटेनियस पावर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 45 वाट के इक्वल। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, अपने पास दो वेक्टर दे रखे हैं जिसमें पहला वेक्टर p वेक्टर दे रखा है ए आई के प्लस ए जे के प्लस का 3 के, दूसरा वेक्टर दे रखा है q वेक्टर ए आई के माइनस का 2 जे के माइनस का के, और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। देखिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। क्यों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल है, ए बी कोस थीटा की। यदि थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो इसी इक्वेशन का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, p वेक्टर डॉट q वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर p वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर a i k प्लस का a j k प्लस 3 k k डॉट a i k माइनस के 2 j k माइनस का के, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा किसके, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये निकल कर आएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अपन फैक्टर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो आएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का a माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a माइनस का 3 प्लस का 1 a माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस का 3 a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे और a प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो अपने पास a की जो दो वैल्यू निकल कर आएगी, एक आएगी अपने पास प्लस का 3 और दूसरी आती है अपने पास माइनस का 1। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट, तो अपना यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः 3ik + jk - का 2kk और ik - का 3jk + का 4kk। तो अपने को उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण या डायगोनल्स अपने को दे रखे हैं तो उसका अगर क्षेत्रफल या एरिया अपने को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास एरिया इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहाँ पर एरिया अपने को फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू सबको कैलकुलेट करनी आती होगी, ये समय मानकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर i k j k यहाँ पर a वेक्टर दे रखा है अपने पास 3 1 माइनस के 2 1 माइनस का 3 और यहाँ पर आता है 4। इसको यहाँ पर अगर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 4 प्लस के 6 यहाँ पर आएगा 4 माइनस के 6 माइनस का जे के या आता अपने पास 12 प्लस का 2 प्लस का के यहाँ से आएगा अपने पास माइनस के 9 माइनस
माइनस का 1, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी अपने पास वो आएगी अपने पास माइनस के 2 आई के माइनस के 14 जे के और यहाँ से आएगी माइनस के 10 के। इसका अगर यहाँ पर अपने को मोड निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यहाँ पर अगर अपने को मोड कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 14 का स्क्वायर 196, 10 यहाँ पर हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये अपने पास रूट ऑफ 300 या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 10√3। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा अपने पास इस समांतर चतुर्भुज का तो वो एरिया यहाँ पर निकल कर आएगा किसके इक्वल 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल आया अपने पास 10√3। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी 5√3 और इसकी जो भी यूनिट होगी वो। अगला क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो हमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन ए बी साइन थीटा और ये इक्वल आता है अपने पास √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं ए बी कॉस थीटा के इक्वल। यहां से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके इक्वल है √3 के इक्वल और ये किसके इक्वल आ रहा है अपने पास टेन थीटा के इक्वल। ठीक है अपने को वैल्यू फाइंड करनी है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके लिए जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अपने को कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। यहाँ पर ए स्क्वायर या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर अपने पास टेन थीटा की वैल्यू पता है और अपने को कोस थीटा निकालना है। तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल कर आएगा 1/√4 या फिर इसको लिख सकता हूँ 1/2। तो यहाँ से जो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/2 की 1/2 और होल पावर 1/2 टू से टू यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर 1/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5/3। हाँ तो अगला अपना फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो दे रखा है बोर्ड के ऊपर मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड। मतलब कि दोनों वैल्यूज इक्वल दे रखी है और अपने को फाइंड करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये इक्वल होगा किसके 1 के इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा ये किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल और tan थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास किसके इक्वल आएगी 45 डिग्री। मतलब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा 45 डिग्री के इक्वल। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन दो वेक्टर दे रखे हैं दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन और दोनों की जो वैल्यू मतलब कि दो फोर्स दे रखे हैं और किसी पॉइंट के ऊपर ये अप्लाइड हो रहे हैं और अपने को निकालना है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं कई बार हम देखते हैं क्वेश्चन में दो वेक्टर है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और रिजल्टेंट अगर अपने को निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की वैल्यू 10 स्क्वायर
प्लस बी की वैल्यू भी टेन स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, कोस यहाँ पर डायरेक्ट 60 डिग्री यहाँ पर पुट कर देते हैं और इस क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते हैं सोल्व कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से सोल्व करना ये क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम एंगल लेते हैं दो वेक्टर के बीच में, उस सिचुएशन के अंदर दोनों वेक्टर की जो टेल्स है वो आपस में उस पॉइंट के ऊपर क्या होनी चाहिए मिली हुई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक वेक्टर की टेल और दूसरे का हेड आपस में ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर एंगल होगा क्या, तो देखिए इस केस के अंदर अगर अपने को एंगल फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर के लिए, तो इस वाले वेक्टर को हम क्या करेंगे आगे की ओर शिफ्ट कर देंगे, और आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल यदि 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल होगा 120 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दूसरा वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या दे रखा है 10 न्यूटन, और इस बार जो एंगल है वो क्या होगा इसका जो करेक्ट जो एंगल की जो वैल्यू होगी इन दोनों वेक्टर्स के बीच की वो किसके इक्वल होगी 120 डिग्री के होगी, न कि 60 डिग्री के इक्वल। तो इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से जो रिजल्टेंट जो या फिर मैं कहूंगा इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी जो वैल्यू होगी एफ बराबर, उसको हम लिख सकते हैं F1 square प्लस F2 square प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, F1 की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर 100। F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर 2 10 multiply 10 cos 120, तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके इक्वल होगी 200 प्लस यहाँ पर भी 200, और cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के 1/2, ये आप लोग निकाल लेना आपको आनी चाहिए ये वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट निकल कर जो आता है अपने पास 200 माइनस 100 जो कि इक्वल होगा अपने पास √100, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा 10 न्यूटन के इक्वल। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर लगने वाले जो दो फोर्स वेक्टर हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 10 न्यूटन 10 न्यूटन, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा 10 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अपना सेवंथ क्वेश्चन।